बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं डॉक्टर कासिम फतियाना, आप लोगों को मालूम है कि मैं इन दिनों पैदाइशी गूंगे बहरेपन पे अपनी वीडियो सीरीज़ कर रहा हूँ। तो आज इस हवाले से नेक्स्ट वीडियो पता नहीं कितना नंबर है, जो भी नंबर है आप देख लेंगे। आपको ये भी मालूम है कि मेरा जो एक डायग्नोस्टिक सवालनामा है, तशखीसी सवालनामा है, उन सवालों को सामने रखते हुए उस सवाल के जवाब में, इनफैक्ट वो जो तशखीसी सवालनामा है ना, वो हर एक सवाल एक गूंगापन या बहरापन के वजह पे दलालत करता है। तो जो भी वजह होती है उस सवाल को, उस वजह को सामने रखते हुए टू दी पॉइंट मैं अपना प्रोटोकॉल आप अहबाब के साथ शेयर करता होता हूँ। और माजरत के साथ अर्ज़ करना पड़ता है कि मेरी ये वीडियो सिर्फ होम्यो डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद है, मगर उनसे ये गुजारिश है कि वो मेरी वीडियो अपने किसी करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा के, मे बी वो पहले से ही जानता हो, और उन्हें बताएं कि इस तरह से ये प्रोटोकॉल डॉक्टर साहब ने शेयर किया है, वो आपके मरीज़ को देख के चेक करके, क्योंकि परफेक्ट एक ही दवा हर मरीज़ की तो होती नहीं है। वो जो डॉक्टर साहब आपके मरीज़ के बारे में मुनासिब दवा समझेंगे वो आपको उस हिसाब से देंगे। अलबत्ता डॉक्टर मेरे प्रोटोकॉल को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, आम शख्स अपने तौर पर इस्तेमाल ना करे दवाई। तो सवालनामा के मुताबिक आज जो मेरा सवाल है वो ये है कि जब बच्चा माँ के पेट में था तो क्या माँ का ब्लड प्रेशर तो नहीं शूट कर जाता था, हाई हो जाता था, शदीद सर दर्द हो जाता था, गनूदगी और गशी या बेहोशी टाइप कुछ मामला हो जाता था? तो अमूमन ज़्यादा ब्लड प्रेशर में ऐसा होता है। और बल्कि मैं पहले ये आप अहबाब को बता दूं कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर या हाइपर टेंशन ये कैसे मुतासर करता है माँ के पेट में। दोस्तों, आपने लफ्ज़ ब्लड प्रेशर ही सुन रखा है और डॉक्टर लोग जानते हैं कि इसे हाइपर टेंशन भी कहते हैं। और हाइपर टेंशन से हट के एक इसेंशियल हाइपर टेंशन भी होती है। इसेंशियल का मतलब होता है लाजमी, ज़रूरी। और चूंकि लफ्ज़ टेंशन से तो अक्सर अहबाब वाकिफ़ हैं, तनाव जो कि जहनी तनाव भी हो सकता है, वो किसी और वजह का तनाव भी हो सकता है, जिस्मानी तनाव भी हो सकता है, पट्ठों का तनाव भी हो सकता है, नर्वस तनाव, नर्वस टेंशन भी हो सकती है, तो ये मोस्टली नर्वस टेंशन ही होती है। और टेंशन से फिर ना आपने लफ्ज़ हाइपर टेंशन यानी बहुत ज़्यादा टेंशन, और बहुत ज़्यादा टेंशन से फर्दर आपने इसेंशियल हाइपर टेंशन यानी खुदा न खास्ता घर का माहौल या मोहल्ले का माहौल ऐसा था कि जिससे मरीज़ को टेंशन हो ही जाती थी, कि टेंशन ने होना ही होना है, यानी टेंशन से हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन, एक मरीज़ टेंशन के माहौल में ही रह रहा है, तो उसको फिर टेंशन का या हाइपर टेंशन का हो जाना ये लाजमो मलजूम है, बहुत ज़रूरी है कि एक बंदा हर वक्त कशीदा माहौल में रह रहा है, टेंशन के माहौल में रह रहा है, तो उसको टेंशन का हो जाना, हाइपर टेंशन का हो जाना या इसेंशियल हाइपर टेंशन हो जाना, ये फिर हो नहीं सकता कि उसको फिर हाइपर टेंशन होना। तो ऐसी सूरत में अगर मरीज़ खातून प्रेग्नेंट है और वो बच्चा जो गूंगा हुआ है इस प्रेगनेंसी में था, तो टेंशन का ये जो माहौल है बच्चे के जहन पे और माँ के जहन पे और बच्चे होने वाले बच्चे की सेहत पे बहुत मनफी असर डालता है। इससे ये हो सकता है कि जहाँ कोई और भी डिसेबिलिटी हो सकती है, आंखें खुदा न खास्ता ज़ाया हो सकती हैं, कोई जिस्मानी उज़्व उसका नामुकम्मल हो सकता है, तो उस बच्चे होने वाले बच्चे की समात भी मुतासर हो सकती है, कम हो सकती है या बिल्कुल नहीं हो सकती। और खुदा न खास्ता अगर वो बच्चा पैदा हुआ है जिसकी समात बिल्कुल नहीं थी,
तो वो सुनेगा नहीं, सुनेगा नहीं तो सीखेगा नहीं, सीखेगा नहीं तो फिर हम लोग उसे कहेंगे कि ये बच्चा गूंगा है, बहरा है या गूंगा है। तो अब आते हैं अपने इस प्रोटोकॉल की तरफ। दोस्तों, बराह रास्त भी इलाज शुरू किया जा सकता है, जैसे मेरा आपको प्रोटोकॉल गूंगे बहरेपन का, जिसमें बोविस्टा हो सकता है, एग्राफिस नट हो सकती है, और एगरिकस हो सकती है, कालीम्योर हो सकती है, मेफाइटिस हो सकती है, मगर नहीं। हाँ, और इसका जो मियाज़मेटिक दवा है वो ट्यूबरक्लिनम हो सकती है, एसिड नाइट्रिक कम हो सकती है, थुज्जा हो सकती है, लाइकोपोडम हो सकती है, पल्सेटिला हम दे सकते हैं। कोई भी, हर बंदे के पास मुख्तलिफ मरीज़ आते हैं, मगर इंटरव्यू में, पूछताछ में, केस टेकिंग में जब हमें पता चला है कि इस बच्चे की माँ को बड़ी शदीद हाइपरटेंशन रही है उन दिनों, तो उस बच्चे को आप एड्रीनालिन 200 1 mg या CM दिए बगैर अपना प्रोटोकॉल शुरू ना करें। जब भी ऐसे टेंशन वाले केसेस को एड्रीनालिन देने के बाद मियाजमेटिक दवा और फिर फ्रीक्वेंट मेडिसिन देने शुरू की, तो उनके नतायज आम हालात में ट्रीटमेंट शुरू किए जाने से कहीं ज़्यादा बेहतर थे। तो अब प्रोटोकॉल प्रॉपर आपके साथ बता दूं कि आगाज़ करें आप एड्रीनालिनम 200 1 mg या CM से। नेक्स्ट डे उसकी जो भी मियाज़मेटिक दवा ट्यूबरक्लिनम बन रही है, एसिड नाइट्रिक कम बन रही है, थूजा बन रही है, कार्सिनोसन बन रही है, सिफिलिनियम बन रही है, वो दें। उससे अगले दिन से आप अपने मरीज़ को देखें, बोविस्टा में फाल कर रहा है, अपने कालीम्योर में फाल कर रहा है, एगराफिस नटन में फाल कर रहा है, एगरिकस में फाल कर रहा है, या अगर आपको समझ नहीं आ रही कि किसी भी दवा जो मोस्टली डेफनेस में दी जाती है, चिनियम सल्फ में भी नहीं आ रहा, तो फिर वही इंटरनेशनल फार्मूला के मेफाइटिस, मेफाइटिस 30 से आगाज़ करें, और साथ में अपने जो भी मियाजमेटिक दवा दी है वो। और अब तक तो आप मेरे प्रोटोकॉल्स के यूज़ टू हो ही गए होंगे, जानने लग गए होंगे। साथ में बतौर मुआवन दवा कलकेरिया फास्ट 30 में ये ज़रूर देनी है, बहुत अच्छे नतायज दिलवाती है ये बाकी दवाओं के भी। तो दोबारा बता दूँ, मेरी पोस्टें स्पेशली होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, और पेरेंट्स इससे इस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं कि वो मेरी ये वीडियो किसी अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ शेयर करें, और फिर वो आपके मरीज़ को प्रॉपर चेक करें, चेक करने के बाद प्रॉपर केस टेकिंग के बाद चेक करें, और जिस दवा में मरीज़ फाल कर रहा हो होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से आप दवाई इस्तेमाल करें बराह रास्त खुद से। क्योंकि ना, ये चंद साल पहले जब मैंने अपना प्रोटोकॉल पूरा का पूरा शेयर कर दिया था ना फेसबुक पे, तो उसके बाद ऐसा होने लगा कि पेरेंट्स आ रहे हैं खुद ब खुद के, डॉक्टर साहब हमने 3 महीने दवा इस्तेमाल की, फलां वाला प्रोटोकॉल उसमें हमारा पेशेंट फाल करता है, फलां वाला जो आपका प्रोटोकॉल है उसमें मेरा हमारा मरीज़ फाल करता है, हमने 3 महीने दवाई दी, हमने 6 महीने दिए, मगर उसका कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, कुछ फ़र्क पड़ा है मगर खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ। तो उनको ना मियाज़म्स का पता नहीं होता, उनको इंटरक्रेंट रेमेडीज़ का पता नहीं होता, उनको फ्रीक्वेंट रेमेडीज़ का पता नहीं होता, उनको कंप्लीमेंट्री या मामन दवाओं का पता नहीं होता, एंटीडोट्स का उनको पता नहीं होता, ये तो डॉक्टर ही बेहतर जानता होता है ना। इसलिए आप अहबाब से गुजारिश है कि डॉक्टर हजरात के मशवरे से दवा इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर होगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम वरहमतुल्लाह।